अच्छे दिन। साल 2014 में पीएम मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, तो क्या मोदी जी ने वादा निभाया? इस सवाल का जवाब जानना हो तो सीमा पर खड़े उस जवान से पूछिए जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच से सुरक्षित बचाकर लाए गए उन बच्चों से पूछिए जो अपने घर सुरक्षित वापस लौट आए। उन 8 पूर्व नौसैनिकों से पूछिए जिनको कतर ने फांसी की सजा सुना दी थी लेकिन मोदी सरकार बचाकर भारत वापस ले आई। उन महिलाओं से पूछिए जिनको शौच के लिए झाड़ियों में जाना पड़ता था, अंधेरा होने का इंतजार तक करना पड़ता था। अन्न के एक दाने के लिए तरसने वाले उन 80 करोड़ लोगों से पूछिए जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है। महंगी दवाइयों से परेशान होने वाले उस गरीब से पूछिए जो जन औषधि केंद्रों से सस्ते दामों पर दवाइयां खरीद पा रहे हैं। उन बीमार लोगों से पूछिए जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे थे लेकिन आज आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज फ्री में करवा रहे हैं। उन 14 करोड़ लोगों से पूछिए जिनके घरों में आजादी के बाद पहली बार नल से जल निकला है। उन लाखों बेबस महिलाओं से पूछिए जिनको 3 तलाक के अभिशाप से मुक्ति मिली है। उन किसानों से पूछिए जिनको पीएम सम्मान निधि के जरिए पहली बार सालाना 6,000 रुपए मिल रहे हैं। उन 3 करोड़ लोगों से पूछिए जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी लेकिन पीएम आवास योजना की वजह से उनका सपना पूरा हुआ। उन 18,000 गांवों के लोगों से जाकर पूछिए जिनके यहाँ आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुँची है। चूल्हे का धुआं सहन करके तवे का मरीज बन चुकी उन महिलाओं से पूछो जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला है। हमारे उस बहादुर जवान अभिनंदन के परिवार से पूछिए जिनको पाक जैसे दुश्मन देश से बचाकर भारत वापस ले आए। राम मंदिर संघर्ष में सीने पर गोली खाने वाले कोठारी बंधुओं के परिवार से पूछिए जिनको भव्य राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिला। और अगर इन सब के बाद भी तुम्हें यकीन ना हो रहा हो तो उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने कांग्रेस राज में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों में हुए बम ब्लास्ट में अपने परिजनों को खोया है। उनसे पूछिए अच्छे दिन क्या होते हैं।